हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका पास जेआईबी नवंबर 2019 एग्जाम के ऊपर है, जिसमें हम लोग 100% गारंटी की बात कर रहे हैं कि गारंटी है कि आप पास कर जाएंगे। ठीक है, अब हम सब चीज पाएंगे धीरे धीरे और आपको बताएंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला चीज समझिएगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ। ठीक है, एक तो है फ्रेशर्स और दूसरे होंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम दिए हुए। ठीक है, कोई इसमें से एग्जाम ऐसे भी दिए होंगे, कोई दो बार दे रहे हैं, कोई तीन बार दे चुके हैं, कोई चार बार, कोई पांच बार और सो ऑन दे रहे हैं एग्जाम, नहीं निकला अभी तक। ठीक है, और ये जो एग्जाम दिए हैं बच्चे, इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हर तरह का काम किया है, लाइक मैकमिलन बुक का बुक भी पढ़ा पूरा। ठीक है, फिर उन्होंने YouTube का वीडियोस भी देखा। ठीक है, फिर उन्होंने नोट्स भी डाउनलोड किए हैं। तो रिजल्ट नहीं आया, तीनों चीज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, कारण कारण क्या हो सकता है? ये नोट्स जो है, ये सारा छोटा फॉर्म में नोट्स होता है। आपका बुक कितना पेज का है? 700 पेज का बुक है। ठीक है, और इसको नोट्स कितना में बनाया है इन्होंने? नोट्स जो बनाया है इन्होंने, वो बनाया है मुश्किल से कोई 100 पन्ने में है, कोई 70 पन्ने में है। तो और इनकी जो फॉन्ट की साइज है वो बड़ी है, और इनकी फॉन्ट की साइज बुक की छोटी है। तो अगर आप उसी फॉन्ट साइज में कन्वर्ट करेंगे तो मुश्किल से 30 पन्ने का नोट्स है। तो आप ये सोचिए, 700 पन्ने का नोट्स कैसे 30 पन्ने के नोट्स के बराबर कर सकता है? ये समझने की जरूरत है आपको। ओके, समझ में आ रही होगी बात आपको। सेकेंड पॉइंट क्या है? YouTube वीडियोस। अब से YouTube वीडियोस में क्या है कि वो सारे वीडियोस कंप्लीट है भी नहीं, इनकम्प्लीट है। ठीक है, और वहां पे ये एक वजह हो जाता है कि इनकम्प्लीट वीडियोस की वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, मैकमिलन बुक में आइए। मैकमिलन बुक से तो बढ़िया कुछ भी नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि मैकमिलन बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। मैकमिलन बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो काफी हद तक आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है कि बुक बहुत मोटा है, बहुत टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, और अब जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखना भी जरूरी है, है ना? तो वो सब चीज की वजह से आप इसको नहीं कर पाते हैं, चाहे नहीं पढ़ पाते हैं कि बुक इतना मोटा है, देख के घबरा जाते हैं, या आपको लगता है कि आप जो पढ़ते हैं सिर्फ बुक मेंटेनाइन करते हैं, उसको नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये सब एक रीजन है जो आप मार खा जा रहे हैं। ठीक है, और एक शिकायत ये भी रहती है कि सर बार बार ये कभी 45 आता है, कभी 46 आता है, 47 आता है, 48 आता है, और ज्यादातर 49 नंबर आके रुक जाता है। अगर मैं बुक पढ़ के भी जाता हूँ, YouTube का वीडियोस भी देखता हूँ, नोट्स भी पढ़ता हूँ, तो मेरे इतने ही नंबर के सर्कल में आके रुक जाता है मार्क्स। अब सुनिएगा, हमेशा ऐसे ही आपको मिलेगा सुनने को, या चाहे आप भी एग्जाम, जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे उनको यही महसूस होता है कि मैंने सब चीज किया यार, YouTube का भी वीडियोस देखा, नोट्स डाउनलोड किया, बुक भी पढ़ा, और नंबर जो है 50 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। कितने से ऊपर? 50 से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, 50 मतलब 50 नंबर नहीं आ रहे, ये कहना है। नहीं पढ़ के जाते हैं तो भी वो 42-43 नंबर लेके आ जाते हैं, पढ़ के जाते हैं तो 47 और 48 या फिर 49 नंबर आता है। तो इससे तो मतलब समझिए, नहीं पढ़ के जा रहे 42-43 नंबर आ रहा है, पढ़ के जा रहे 47-49 नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, आपको समझना होगा, और ये चीज फ्रेशर्स को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, जो एग्जाम दे चुके हैं वो ये गलती दोबारा ना करें, दोबारा फेल ना करें। ठीक है, दोबारा कभी भी फेल मत करिए। ठीक है, यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। और रीजन क्या है सबसे बड़ा फेल होने का? हमारा माइंडसेट में, हम लोग ने ये सेट कर लिया है कि हमारा जो माइंडसेट क्या है, माइंडसेट है कि भाई हमें तो बस 50 ही नंबर लाना है, हमारा कितना लाना है, 50% मार्क्स लाना है, यही माइंडसेट है ना हमारा। आप कुछ है इसके अलावा माइंडसेट नहीं है, तो भाई किसी भी तरीके से 50% का नंबर हमें आ जाए बस, और ज्यादा तो चाहिए नहीं, ज्यादा लेके करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे ये सोच है हमारा। ठीक है, अगर आपका मैक्सिमम नंबर ही, जो आपका मैक्सिमम नंबर हम बोलते हैं, अगर वही 50% है, ठीक है, आपको जो मैक्सिमम नंबर है वही अगर 50% है, तो फिर आप कैसे क्या होगा, आप ही बताइए ना कैसे क्या होगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे 1% भी कम आ गया या 50 मार्क्स में 1 मार्क्स कम आ गया तो 49 आ गया, फेल हो गए। ठीक है, ये लॉजिक नहीं रखना है, ये गलत लॉजिक है। ठीक है, हमारा लॉजिक क्या है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट सीधा सीधा होना चाहिए कि भाई 65% मार्क्स आना है। कितना लाना है? 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर इतना आप नहीं लाओगे तो फिर नैया पार नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, ऐसा सोच के चलना है आपको। अब जो बच्चा 65% का मार्क्स प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर मान लेते हैं इसमें 2% भी कम आ गया तो कितना आ जाता है? 63% मार्क्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास पास बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? कितना अच्छा नंबर है। सेकंड पॉइंट, अगर आप 50% का नंबर लेकर रखे हैं, सीधी सी बात है 2% कम कर देते हैं तो 48% मार्क्स आया, तो फेल हो गया आप, क्योंकि आपका सपना ही सबसे ज्यादा बड़ा है कि 50% आ जाए, बस यही सपना। अरे हाँ, हमारा सपना क्या है? 65%। ये सपना का अंतर होता है, इसलिए आप पास कर जाते हैं। ठीक है, और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा पास कर रहे हैं। रीजन क्या है स्टूडेंट्स का पास होने का? माइंडसेट अच्छा डेवलप किया हुआ, वीडियोस अच्छे क्वालिटी के हैं, फिर आपको सुनने में अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव वीडियोस होती हैं, और बोर्ड पे पढ़ाने ज्यादा इजी लगता है समझने में। ठीक है, और नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट है, इतनी चीजें हैं आपके पास। 100% गारंटी कोई कैसे बोल सकता है ना, एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए, पहले हमने आपको क्या कराया? वीडियो कराया, वीडियो कोर्स किया, और न्यूमेरिकल का वीडियोस देखा आपने। ठीक है, न्यूमेरिकल तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग में है, बाकी कहीं न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, ये इसको भी हटा दीजिए। वीडियो कोर्स देखा, अब आप जब वीडियो कोर्स देखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है आपको क्या करना होगा? स्टेप नंबर 2 में आपको यहां पे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको अपने खुद के नोट्स डेवलप करने हैं, मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, और अब बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या है? रिवीजन। स्टेप 4 क्या है? मॉक टेस्ट। ठीक है, अब आप समझिए, अब आप यहां पे 4-4 स्टेज कर रहे हैं, इसलिए 100% गारंटी एक शब्द जो है वो आ रहा है। ठीक है, वो कैसे आ रहा भाई? कि अब आपने वीडियो कोर्स किया, वीडियो कोर्स अच्छे से समझा बुझा किया, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? अपना खुद का नोट्स बनाया आपने। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप जिम्मेवार हैं, अगर आप फेल कर जाते हैं तो। मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स अपना बनाइए, नोट्स अपना बनाइए, नोट्स अपना बनाइए, इसलिए नोट्स अपना बनाइए। और हर वीडियो में मैं यही बोलूंगा कि जब आप, मैं वीडियो खत्म होता है कि भाई आप नोट्स अपना कृपया करके बना लीजिए, अपना खुद नोट्स लिख लीजिए, इससे बहुत फायदा होता है भाई, बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आपके नंबर नहीं आएंगे। सब समझने का कोशिश करिएगा मेरी बात। ठीक है, वीडियो कोर्स कर रहे हैं आप तो नोट्स अपना जरूर बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, नोट्स जब आप बनाए तो 2 पेन यूज करें, ब्लू एंड ब्लैक कलर। ब्लू कलर हो गया पूरा सेंटेंस लिखने के लिए, ब्लैक कलर हो गया कंटेंट को, जो भी मेन पॉइंट है इसको लिखने के लिए। स्टेप 3 क्या है? रिवीजन करना, उस चीज को दोबारा से रिवाइज करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका जो है, हर 3 दिन पे या 4 दिन पे आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या है? मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। ये सारा काम करने में, मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कैसा आपने तैयारी किया है। तो ये 4 स्टेजेस मैंने बताया, इतना कोई बच्चा कर रहा है ना, इतना जो कर रहा है, तो भैया हो गया 100% गारंटी, आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से, कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। 100% गारंटी तो यहीं पे आ गया, यहीं तक में हो जाता है, इसकी करने की जरूरत नहीं है।
क्यों? आपने वीडियो कोर्स कर लिया, ठीक है, नोट्स खुद का बना लिया, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, इट इज मोर देन एनफ। और अगर आपके पास समय और बचता है तो स्टेप फाइव भी आप कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक को भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इतना अगर आप कर रहे हैं तो भाई फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 100% पास है भैया, कोई नहीं रुक सकता। आप 65% ही नहीं बल्कि आप 70% का प्रोजेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, यह हमेशा याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्सेज, किस तरह के कोर्सेज होते हैं। तो पहला है आपका पीपीटी वीडियो कोर्स, दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। दोनों में अंतर क्या है वो मैं बता देता हूं। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन चलते रहता है, स्लाइड चलता है, वहां पे पीछे से आवाज आता है, स्लाइड चलती है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट बनाया रहता है, पीछे से स्लाइड चलता है, वहां से आवाज आता है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स में वो चीज नहीं रहती है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, सुनने में इजी है, अंडरस्टैंडिंग है, पूरा पॉइंट्स बोर्ड पे लिखा रहता है, मैं सारा पॉइंट्स को वन बाय वन करके आपको बताते जाऊंगा, और उसके बाद कॉपी में वही चीज जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है कंटेंट सारा कॉपी पेस्ट कर देना है आपको नोटबुक में। याद रखिएगा जो भी बोर्ड पढ़ा रहा हूँ सारा चीज कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने नोटबुक में। और ये कोर्स करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जो एग्जाम दे चुके हैं और वो फेल कर गए हैं। याद रखिएगा मैंडेटरी है उनके लिए जो एग्जाम दे हुए और फेल कर गए। मैं बिल्कुल बोलूंगा ये कोर्स करिए तभी आपकी नैया पार होने वाली है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, पहली बार एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हैं। चाहिए आप चूज करिए, चाहे आप ये चूज करिए, पीपीटी भी कोर्स चूज कर सकते हैं, फेस टू फेस वीडियो कोर्स भी चूज कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन पे जाइए तो हमेशा फेस टू फेस वीडियो कोर्स में बोलूंगा, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि बोर्ड पे सारी पॉइंट्स को कोई लिखा हुआ है, कोई सामने बोलता है, समझाता, ज्यादा अच्छा लगता है, सुनने में इजी होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। कोर्स कंटेंट में, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, पहला चीज हो गया वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दूसरा रहेगा न्यूमेरिकल, या हम उसको केस स्टडी भी बोलते हैं, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, तीसरा क्या रहेगा 3500 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा, ये पर पेपर है, सबसे ज्यादा पर पेपर है, ठीक है। चौथा क्या रहेगा रिवीजन नोट्स, पांचवा क्या रहेगा मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट यहां पे आपको टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ रहता है, टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ रहता है, समझ गए। और ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस कोर्स में मिलेगा। फेस टू फेस कोर्स क्या हो गया, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, वो हो गया फेस टू फेस कोर्स, ठीक है। अब आइए कोर्सेज और उसकी फीस के बारे में। तो अगर आप जेबी का प्रिंसिपल्स और लीगल पेपर करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 600 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स में उसी चीज का 1200 रुपए है। जेबी अकाउंटिंग का दाम है पीपीटी कोर्स में 800 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स में है 1500 रुपए। और जेबी कॉम्बो पैक का दाम है 1500 रुपए और फेस टू फेस वीडियो लेक्चर कोर्स का दाम है 3000 रुपए, ठीक है। और सीआईबी एबीएम बीएफएम रिटेल इसमें से कोई भी पेपर करेंगे दाम है 800 रुपए। अगर फेस टू फेस कोर्स करेंगे दाम है 1500 रुपए। सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम करते हैं तो दाम है पीपीटी कोर्स से 1500 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम है 2700 रुपए। सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल करते हैं पीपीटी कोर्स दाम है 2000 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम है 3500 रुपए, ठीक है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। अब आप मुझे फोन भी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, मेरा नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है
27546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट में जाके। वेबसाइट हो गया www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।